अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है, आपका हर एक पीरियड 28 दिन में आता है, तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपको कौन से दिनों में दूर रहना है, अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो कौन से दिनों में साथ रहना है। तो अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो आपका जो ओव्यूलेशन पीरियड रहेगा वो पीरियड का 14वां दिन रहेगा, तो हम 14 दिन मान सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ओव्यूलेशन रहेगा 14 दिन पर तो आपका एग रिलीज होगा। अगर आप एक बार संबंध बना लेते हैं तो फीमेल की बॉडी में स्पर्म कम से कम 4 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं यूट्रस के अंदर में जाने के बाद में, पर महिला को जो एग रहता है, अंडा रिलीज होता है, वो सिर्फ 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहता है। अगर उस दौरान एग और स्पर्म मिल जाते हैं, ये तो दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है और वो यूट्रस में आकर इम्प्लांट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेगनेंसी ठहर गई और आपका पीरियड मिस हो जाता है। तो अगर आपका इस टाइम में रिलेशन बनता है तो आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो आपके लिए क्या सेफ है और क्या अनसेफ है। जब भी आपका पीरियड आता है तो अगर हम इस ग्राफ के माध्यम से समझें तो ये 28 दिन का ग्राफ है। अब इसमें मान ले कि आपका पीरियड 1 जनवरी से शुरू होने वाला है, तो 1 जनवरी को आपको पीरियड आया, नेक्स्ट पीरियड आएगा आपको 28 जनवरी को, और अगर आपका 1 जनवरी को पीरियड आया तो 5 जनवरी तक आपका पीरियड चलेगा। अगर आपका ओव्यूलेशन 14th डे पर रहता है तो आपका पीरियड 5वें दिन में यानी कि 5 तारीख को खत्म हो गया, तो आप पीरियड के 5वें दिन से 10वें दिन तक साथ में रह सकते हैं अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो, क्योंकि 10वें दिन तक बच्चा ठहरने का कोई चांस नहीं है अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है। बच्चा कब ठहरेगा? अगर आप पीरियड के 11वें दिन से 17वें दिन तक साथ में रहते हैं, मान लीजिए अगर आप 11 तारीख को भी साथ में रहे यानी कि पीरियड का 11वां दिन, और स्पर्म 3 दिन या 5 दिन भी जिंदा रहे, तो 11 12 13 14 यानी कि एग निकलना है वो 14 तारीख के आसपास निकलना है, तो ऐसे में स्पर्म आपके अंदर जाकर एग का इंतजार करते हैं। जैसे ही एग वहां आया, दोनों आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप पीरियड के 11वें दिन से 17वें दिन तक दूर रहें, रिलेशन मेंटेन नहीं करें, और अगर इन दिनों में आपका रिलेशन बनता है तो आप प्रोटेक्शन यूज करें, जैसे कि कॉन्डोम यूज कर सकते हैं, और अगर आप कॉन्डोम नहीं यूज कर पाए, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बन गया, तो ऐसी कंडीशन में आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि अनवांटेड 72 एक टैबलेट लेना है। पर अगर आप इन दिनों में रिलेशन मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको ना ही प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है, ना ही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करने की जरूरत है। अगर आप पीरियड के 11वें दिन से पहले रिलेशन बनाते हैं तो आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, पर पीरियड के 11वें दिन से अगर आप रिलेशन बनाते हैं 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन तक इन दिनों में आपका रिलेशन बनता है, तो आपको प्रोटेक्शन यूज करने की जरूरत है या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपका रिलेशन पीरियड के 17वें दिन भी बनता है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एग 14th को भी निकल सकता है, यानी कि पीरियड के 14th दिन, 13th दिन भी निकल सकता है या 15th दिन भी निकल सकता है। अगर उस दौरान एग को स्पर्म नहीं मिले तो 24 घंटे के बाद वो खत्म हो जाता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो ओव्यूलेशन के 2 हफ्ते के बाद में आपके नेक्स्ट पीरियड जनरली शुरू हो जाते हैं, किसी के थोड़े लेट, एक दो दिन ऊपर नीचे चल सकता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और आपकी पीरियड साइकिल लगभग 28 दिन की है तो आपको पीरियड के 11वें दिन से 17वें दिन तक रिलेशन मेंटेन नहीं करना है, चाहे आप मैरिड कपल हैं, चाहे आप अनमैरिड कपल हैं, अगर बच्चा नहीं चाहिए तो आपको 11वें दिन से 17वें दिन तक दूर रहना है। और अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप पीरियड के 11वें दिन से 17वें दिन तक एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन को मेंटेन करें, और अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तो आप 1 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकते हैं। इसके साथ ही 17वें दिन से पीरियड के 28वें दिन तक या नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने तक अगर आप साथ में रहते हैं तो आपको प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं रहता है। फिर भी 1% आपका पीरियड डिले होता है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म कर लेना चाहिए। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए। थैंक यू।